एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। भारत की इस टीम में जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल जैसे गेंदबाज नहीं है क्योंकि दोनों को चोट लगी हुई है। अच्छी बात यह है कि केएल राहुल वापस आ चुके हैं और विराट कोहली भी रेस्ट के बाद टीम से जुड़ चुके हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक अब भी टीम इंडिया में बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि स्टैंड बॉय पर रखे दीपक चाहर को टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। आखिर ये सब कैसे होगा? चोट की वजह से 6 महीने तक क्रिकेट नहीं खेल पाने वाले दीपक चाहर अब कैसे एशिया कप खेलेंगे? दीपक चाहर को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि इस खिलाड़ी को एशिया कप स्क्वाड में अब भी जगह मिल सकती है। इनसाइड स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर दीपक चाहर जिम्बाब्वे दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये खिलाड़ी एशिया कप में भी खेल सकता है। फिलहाल ये खिलाड़ी स्टंट बॉय में रखा गया है, लेकिन जिम्बाब्वे में अच्छी वापसी रही तो दीपक को आवेश खान की जगह स्क्वाड में रखा जा सकता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।